और उन्होंने कहा देखिए नाम संकीर्तन जहाँ होता है, जहाँ नाम है वही नामी है, और जहाँ नामी है वही धाम है। नाम बाड़ी है जहाँ, नाम बाड़ी जहाँ है वही भगवान का धाम है। तो वहाँ ब्राह्मणेर घोर जैन हरिद वृंदावन, जहाँ नाम संकीर्तन हुआ वृंदावन, हरि नाम सुनिवारे आयसे सर्वजन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक इस चैतन्य महाप्रभु कहे कि हरे कृष्ण नाम प्रभु बल निरंतर, श्री गौरांग महाप्रभु बार बार इस जब हरे कृष्ण बलि प्रेम मुख्य प्रत्यक्ष हिला आशी अद्वैत स्वरूप। श्री गौरांग महाप्रभु इसी तरह नाम संकीर्तन करते अद्वैत के प्रासा है। चैतन्य महाप्रभु निज भक्ति ग्रहण विलास, ये महामंत्र क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का विलास है। इसलिए प्रभु बोले कृष्ण भक्ति हो सवार, कृष्ण नाम गुण बई ना बलिहार। ब्राह्मणों को श्री चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हुए कहे कि बस कृष्ण भक्ति माने नाम, भक्ति माने दूसरा कोई नहीं। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है तन नाम ग्रहण आदि भक्ति योग किसको कहते हैं, ठाकुर जी का नाम लेना। तो आपने सवारे प्रभु करे उपदेश, कृष्ण नाम महामंत्र सुना हरेश। प्रसन्न होकर से श्री गौरांग महाप्रभु महामंत्र का व्याख्या किए, हरे कृष्ण महामंत्र कहे और कह करके प्रभु बोले पहला यही महामंत्र, यही महामंत्र। आ इहा जब किया सबे करिया निर्बंध, इस महामंत्र को निर्बंध संख्या पूर्वक नाम जप करना। आइया है कि सर्व सिद्धि है भी सवार, इस नाम लेने से क्या होगा, तो सबको सब सिद्धि मिलेगा। देखिए हम लोगों को पहुंचना है कहाँ, राधा दासी जहाँ तुलसी मंजरी प्रिया जी की सेवा कर रही है और प्रिया जी के मुख का उच्छिष्ट पाने की लालसा कर रही है। वो तो लालसा कैसे प्राप्त होगा, तो नाम रखें, रास्ता वहाँ पर। तो ये नाम कैसे रटे, तो किस जने की भजने किवा जागरणे अहर निश्चिंत कृष्ण बला हवदन। नाम लेने की तरीका यही है, सर्वदा श्री मुखे हरे कृष्ण कृष्ण बल बलते आनंद धारा निरवधि झरे। यही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चारों युगों में चार धर्म है और कलयुग में केवल एक ही धर्म है। चारों युगों में चार भगवान को प्राप्ति करने के लिए चार ही युगे चार ही धर्म जीने रखा रहा, और कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन। कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है नाम संकीर्तन। इसीलिए इस युग में यदि कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना, जिसको श्री गौरांग महाप्रभु ने आकर के बतलाया कि अतएव कलयुगे नाम यज्ञ सार। यज्ञ भागवत में है ना, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध सार, जिसकी सुंदर बुद्धि है वो भगवान को प्रसन्न संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करते हैं, और जिसके पास खराब बुद्धि है वो क्या करेगा, वो यज्ञ करेगा, बड़ा बड़ा यज्ञ करेगा, सत्चंडी यज्ञ करेगा, वो महायज्ञ करेगा, क्या क्या करके भ्रम करेगा। सुन मिश्र करि चुके नाही तब जग, जय जन भजे कृष्ण तार महाभाग, अतएव गृहे तुम्हें कृष्ण भज लिया कुटी नारी परि हरि एकांत ही। तो भाई नाम रखना है तो सब बाबा जी बनकर ही तो नाम नहीं रखे। तो महाप्रभु कहे कि ऐसी बात नहीं, घर में भी नाम संकीर्तन कर सकते हैं, घर में ही रह करके भगवान के नाम रट, और नाम रटते रटते क्या होगा, तो बताए हैं नाम रटने से ही कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपज ये भाव। देखिए राधा मंजरी तक पहुँचना है हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर। तो हरे कृष्ण नाम जप करेंगे तो आपको भाव करना, कौन सा भाव, प्रेम प्राप्त होगा। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु ब्रह्मादि आनंद तार रहे एक बिंदु। जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए तड़पते रहते हैं ब्रह्मा शिव संतादि, वह नाम संकीर्तन से वो प्रेमानंद सिंधु प्राप्त होगा, जिसके आगे ब्रह्मानंद त्रिण के समान है, एक बिंदु के समान। इसीलिए संकीर्तन यज्ञ तार करो आराधन सही तो सुविधा यार कलि हत जन। इस कलयुग में यदि कोई भगवान को प्राप्त करना है तो एक उपाय,
क्योंकि इस महामंत्र को साक्षात श्रीमती राधा रानी जपी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य लघु भागवतामृत में लिखते हैं, श्री चैतन्य मुखोद्गीर्णा हरे कृष्णेति वर्णना। इस महामंत्र को सबसे अधिक कौन जपाया है? चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य मुखोद्गीर्णा श्री गौरांग महाप्रभु से खूब जपे हैं। हरे हरे कृष्ण मज्जयन्तो जगत प्रेमणि विजयन्ताम तदाय। यही सारे संसार को भगवत प्रेम में डालने वाला है। ये ठाकुर जी का नाम है ना, ये सारे संसार को डाल देगा। अब देखिए इस महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इसका अर्थ क्या है अब बताते हैं। इस महामंत्र में तीन नाम है, तीन नाम है, हरे कृष्ण और राम, ये तीन नाम। हरे कृष्णा हरे राम अपने बोलते नहीं है ना, कुछ कुछ लोग नहीं बोलते हैं कि वैदिक मंत्र है क्यों बोल रहे हैं। हरे कृष्ण तो देखिए इसमें तीन नाम, हरे कृष्णा और राम। तो हरति त्रिविधम ताप, संसार में जितने लोग हैं तीन ताप से जल रहे हैं, दैहिक दैविक और भौतिक, जिसको त्रिताप बोलते हैं। सब लोग जल रहे हैं ना, हम लोग यहाँ भी जल रहे हैं, समझना कि नहीं जल रहे हैं। सब लोग दैहिक दैविक और भौतिक, ये त्रिताप, ये तीनों ताप से सारा संसार जल रहा है। कोई भले एयर कंडीशनर हो या हजारों नौकर चाकरों के साथ, लेकिन वो जल रहा है। आदमी ही नहीं, ईश्वर की देवता भी जल रहे हैं, पूरा विश्व ब्रह्मांड जल रहा है तीन ताप से, दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कहते हैं शरीर मिला है तो शरीर के साथ कुछ ताप मिला है, इसको दैहिक ताप कहते हैं। सब लोग जल रहे हैं, शरीर का सबसे बड़ा ताप है भूख और प्यास, ये जल रहे हैं। जन्मना और मरणना ये तप है, ताप दैहिक ताप। और दैविक ताप क्या है? अकाल पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, बिजली गिर जाना, भूकंप आ जाना, इसको क्या कहते हैं? दैविक प्रकोप, दैहिक दैविक। और भौतिक ताप क्या है? संसार के लिए भौतिक ताप है। आदमी आदमी से जो डर रहा है, मच्छर से डर रहा है, सांप से डर रहा है, एक आदमी दूसरे को मारने के लिए तैयार, इसको कहते हैं भौतिक ताप। एक देश दूसरे देश से डर रहा है कि अड़ बम है सबके पास, क्या होगा। ये तीनों, ये दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीनों ताप से सारा संसार जल रहा है। हर हर हरती त्रिविधम ताप, ये कृष्ण नाम है तीनों ताप को जला देता है। इतना बड़ा ताकत है भगवान के नाम। तीन ताप से जो है उस पापम च स्मृताम जस्मात तस्मात हरि निधि स्मृता। कायिक वाचिक और मानसिक तीनों तापों को भी, तीनों पापों को हरने के कारण इस महामंत्र में हरि शब्द है। हरि, आप व्याकरण पढ़े होंगे तो हरि, हरि शब्द का भी यदि रूप चलाएंगे तो उसका भी संबोधन में हरे रूप बनता है, और हरा शब्द का भी संबोधन में करेंगे तो हरे बनेगा। दोनों में, हरि में भी और हरा में भी हरे बनता है। जैसे रमा रमे, रमा शब्द में भी रमे बन जाता है। तो इसमें जो हरे है, हरे का अर्थ होता है दैहिक दैविक भौतिक कायिक वाचिक मानसिक, ये तीनों तापों को नष्ट करने के लिए हरे, हरे शब्द। हरे नाम लेने से तीनों ताप का नाश हो जाता है, हरे हो गया। और कृष्ण का अर्थ है कृषि का अर्थ होता है भूवाचक सत्ता वाचक,
निवृत्ति पर है। तो ए कृषि भूवाचक शब्द रस निवृत्ति वाचक तयो रैकम परम ब्रह्मम कृष्णित्यादि। कृष धातु का अर्थ होता है आकर्षण करना और कृष धातु का अर्थ होता है सत्तावाचक और र का अर्थ होता है निवृत्ति वाचक। ऋण ऋण माने आनंद। ये तीनों का दोनों का समान संवेषण जब मिलन होता है तो कृष्ण शब्द होता है। सबके जो सबके हृदय में जो रमण करता है उसका नाम है राम। तो इस महामंत्र में क्या है हरे कृष्ण और राम ये साधारण अर्थ दिया है। अब थोड़ा सा इसे ऊपर उठते हैं। ऊपर क्या अर्थ है अब हरे का अर्थ होता है हरि नहीं मनोहरत कृष्णस्य कृष्णाह्लादा स्वरूप। कृष्ण के मन को हरण करने के कारण राधा रानी का एक नाम है कृष्णाह्लादी कृष्ण को हलादनी। इसीलिए वेद में राधा को ही हरा कहा गया ततो हरा राधा ही राधा का नाम है हरा अतस्या संबोधने हरे और हरा शब्द के संबोधन में क्या बन गया हरे। और देखिए वो हरे है वो तीनों ताप को नष्ट करने वाला ये हरे है कृष्ण को किसी को। अब देखिए अब कृष्ण का नाम कृष्ण कृष्ण का उपगुह्य त्रयां धर्मम धर्मम मानम ब्रजस्तुय। ये कृष्ण क्या करते हैं तो गोपियों की लज्जा को हरण कर देते गोपियां जो मान कर जाती है तो मान को तोड़ देते हैं। ये कृष्ण का अर्थ है उपगुह्य त्रपां धर्मम ब्रजांत नामों के लज्जा धर्म और धैर्य मान को हरण करने के बंसी के द्वारा उनको खींचने के कारण इन श्री कृष्ण का नाम कृष्ण हो राधा रानी। अरे हरे का अर्थ होता है तीन ताप को नष्ट करना और कृष्ण का लज्जा धर्म और धैर्य इत्यादि को हरण करने के कारण इनका नाम कृष्ण हो। और राम का अर्थ होता है रमयंती निशम रूपम लावण्य ब्रज जोशिता मन पंचेन्द्रियाणि ही रामस्तस्य तस्मात् प्रकृतिता। ये भगवान श्री कृष्ण ही अपने रूप लावण्य आदि के द्वारा ब्रजांगनाओं के इंद्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं इसी कारण इनका नाम हो गया राम। भगवान सब एक बार जो भगवान कृष्ण को देख लेता है तो उनके साथ रमण करने लग जाता है। कृष्ण क्या करते हैं जानते हैं ना आंख के काजल को चुरा लेते हैं जानते हैं। मैं पूछा कि काजल कैसे चुराते हैं तो जो एक बार कृष्ण को देख लेता है तो कृष्ण के बिना उसका मन नहीं लगता है रोने लगता है रोता है तो आंख आंसू से उसका काजल बह जाता है तो उसके आंख के काजल को चुरा लिया। कृष्ण काजल चुरा लेते काजल चुरा एक बार यदि कोई कृष्ण को देख लिया तो बिना देखे वो छटपटाते रहेगा रोने लगेगा और रोएगा तो आंख का काजल ही ब्रज गोपियों के आंख के काजल को चुराने वाले श्री कृष्ण सबके हृदय में रमण करने के कारण इनका नाम राम हो गया। और इससे थोड़ा ऊपर उठे देखिए हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है 108 मंत्र अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 इसका 108 अर्थ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। अब श्री जी को स्वामी पाद हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ करते सर्व चेतो हर कृष्ण हरे शब्द का सबके चित्त को आकृष्ट करने वाले श्री कृष्ण है तस्य चेतो हर केशव और उनके भी हर चित्त को हरण करने वाली राधा रानी है वैदग्धि सार विस्तारे ततो राधा हरा सुधा। ये राधा रानी क्यों कौन है तो वैदग्धि सार श्री कृष्ण के भी चातुर्य को हरने वाली श्रीमती राधा रानी इसीलिए राधा रानी को यहाँ हरा कहा गया है। अब कृष्ण का करसती श्री लावण्य मुरली कल निश्वल श्री कृष्ण क्या करते हैं श्री लावण्य अपने लावण्य के द्वारा अपने रूप के द्वारा मुरली के द्वारा राधिका के मन को हरण कर लेते मधुर बंसी के द्वारा जो राधिका रानी को हरण करते इसीलिए यहाँ पर कृष्ण नाम कहा गया।
कि भगवान का नाम है ना, तो केवल कहने में ही आनंद नहीं आता, सुनने में भी आता। कहीं नाम संकीर्तन हो रहा है तो आप कहीं दूर भी हैं तो सुनाई भी पड़ रहा है तो आपके चित्त को खींचेगा। अब देखिए हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रूयते नीयते रासे हरिना हरिनेक्षणा, एकाकिनी रहः पुंजे हरेयम तेन कथ्यते। ये हरे महापुरुषों के मुख से सुना गया है। श्रूयते नीयते रासे, मृगलोचना श्रीमती राधा रानी के कृष्ण के द्वारा रास मंडल में विद्यमान जितनी गोपियां हरिनेक्षणा, उस सबके मन को हरण कर। राधिका ही हरा नाम से कही जाती है और जिनके संबोधन में हरे, सबके चित्त को कृष्ण हरण किए और कृष्ण के चित्त को राधा रानी हरण कर ली। एकाकीना रह कुंजे, अर्थात समस्त गोपियों को छोड़कर एक राधा रानी का अन्वेषण करने के लिए जो श्री कृष्ण रह कुंज एकांतिक कुंज में गए, इसलिए राधा रानी का नाम हो गया हरा और हरा के संबोधन में हरे रूप बन गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अंग श्यामली स्तोरी, अपने अंग के श्याम कांत, श्याम कांतिक के समुदाय से जो सुवर्ण अर्थात तप्त कांचन गौरांगी के चित्त को भी हरण कर लेते हैं। श्याम अर्थात राधा रानी को श्याम बना देते। आप लोग ऐसा मूर्ति कहीं देखे हैं काला राधा रानी का रूप? कौन देखा है? कोई नहीं देखा। ये देखे कहाँ देखे आप? जगन्नाथपुरी कहाँ? आप लोग नहीं देखे ना? काला कृष्ण राधा रानी बिल्कुल ललता सती की काली टोटा गोपी ना ना। राधा रानी कृष्ण का चिंतन करते करते बिल्कुल काली हो जाती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। और राधा रानी का चिंतन करते करते कृष्ण क्या हो जाते हैं? बोला है ना, राधा रानी कृष्ण हो जाती है और कृष्ण हो जाते हैं। यही तो महामंत्र है, राधे कृष्ण, राधा रानी है वो कृष्ण हो जाते हैं और कृष्ण राधा रानी हो जाते हैं। अनुखन माधव अनुखन राधा, अनुखन राधा माधव सुमिरति राधा फेरी मधाई, और निज भाव सुभाव वही विसरल अपने ही गुण लोग धन। राधा रानी अपने को कृष्ण समझ लेती हैं और कृष्ण समझ करके अपने गोपियों से पूछती हैं कि राधा कहाँ गई, राधा कहाँ गई, राधा रानी। यही महामंत्र है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृत्वारण्ये सर्वश्रेष्ठं कान्ताया मतयस्तथा आकृष्ट सर्वतीर्थानि तद् ज्ञानात् कृष्णयुग्मे। अपनी कांता श्री राधा रानी की इच्छा अनुसार हरि ने कृत्वारण्ये सर्वश्रेष्ठं गोवर्धन के तलहटी में श्याम सुंदर ने एक बड़ा सुंदर कुंड बनाया, जिस कुंड का नाम है श्याम कुंड। श्याम बनाया है ना, श्याम कुंड बनाया, श्रेष्ठ सरोवर स्थापित किए। इस कुंड रहस्य को जानकर ही श्री कृष्ण को, भगवान को कृष्ण नाम से लोग कहते हैं, कृष्ण नाम से अभिनय करते हैं। ये श्री कृष्ण धीर नायक है, धीर ललित है, धीर ललित नायक श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के महाभाव की लोकोत्तर प्रेस्ट को सबके लीलाओं को अपनी ओर आकृष्ट करने के कारण ही वृंदावन में कृष्ण नाम से कहा जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब हरे हरे का अर्थ दे देते हैं। हितवान गोकुले तिष्ठन अरिष्टम पृष्ठ पुंगवम श्री हरिष्टम रसादुच्च राय तीति हरा बता। ब्रज में निवास करते समय भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अरिष्ट नामक राक्षस आ गया। कृष्णन रिष्टम पृष्ठ पुंगवम श्री हरिष्टम रसादूच राय तीति हरा स्मृता। उस समय आंदोलन पूर्वक उच्च स्वर से हरि हरि कह करके पुकारने वाली राधा रानी आ। अरिष्टासुर को जब भगवान मारने के लिए चले तो बहुत बड़े प्रभावशाली था,
तो उस समय महाराज राधा रानी हरी हरी कहने लगे तो राधा रानी का नाम हो गया हरा, हरी हरी कहने के कारण श्री राधा रानी हरा नाम से जानी जाती है। हरा शब्द के संबोधन में फिर हरे हो गए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, इतना महामंत्र का अर्थ हो गया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, 108 अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र। अंत में निकुंज परत जो अर्थ है गीत गोविंद का जो जो मंत्र है उसमें हरे कृष्ण महामंत्र, एक एक सर्ग में महामंत्र हरे कृष्ण हरे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु गीत गोविंद का पाठ करते हैं। गीत गोविंद को महाप्रभु क्यों हरे कृष्ण महामंत्र, जब तक गीत गोविंद पाठ कर रहे हैं और फिर गीत गोविंद जब बंद हुआ तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, अब बस कहते थे बस प्रिया जी के इस लीला दिव्य विहार का तुम स्मरण करो और जीव से तुम क्या करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हम लोग यहीं पर विश्राम इसके बाद गीत गोविंद थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 यमुना तीर वालीर निकुंजे मंद मास्थितं प्राह प्रेम भरोद्भ्रांतं माधवं राधिका सखी चतुस्सर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। निंदति चंदन बिंदु किरण मनु बिंदति खेद मघीरम जाल निलय मिलने नगरल मिव कलयति मलय समीरम साबि रहे तव दीना माधव मन सिज विशिख भजा दिव भावन या त्वयि लीना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अविरल निपतति मदन शरारिव भवदय नाय विशाल स्वहृदय मर्मणि परम करोति सजल नल नीदल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कुसुम विशिख सर तल्प मनल्प विलास कला कमनीयम् व्रतमिव तव परिरम्भ सुखाय करोति कुसुम शयनीयम् हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बहति च चलित विलोचन जलधर मानन कमल मुदारम विधुमिव विकट विधुंत दलंत दलन गलितामृत धारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
तिलकत रहसि कुरंग मदेन भवंतम समसर भूतम प्रणमति मकर मधो विनिलाय करे च शरम नवचूतम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रतिपदमिदमपि निगदति माधव तव चरणे पतिताहम् त्वयि विमुखे मयि सपदि सुधानिधिरपि तनुते तनुदाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ध्यान लयेन पुरः परिकल्प्य भवन्तमतीव दुरापम् विलपति हसति विषीदति रोदति चञ्चति मुञ्चति पापम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री जय देव भनित मिदमधिकं जनि मनसा नटनीयम् हरि विरहाकुल वल्लभ युवति सखी वचनं पठनीयम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि अरे भक्तों, यदि आप लोग अपने अंतःकरण को आनंद से भरना चाहते हैं तो जयदेव रचित राधा वियोग के गीत का अवश्य पाठ करें। इस पाठ को श्री जयदेव भनित मिद मधिकम जदि मनसा नटनी हरि विरहा कुल वल्लभ युवति सखी वचनम पठनीयम्। सा विरहे तव दीना माधव मन सिज विषिख मया देव भावनया त्वयि लीना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम पावन श्री हरिनाम महाराज की उमति सुधारिणी श्री हरिनाम संकीर्तन की जगपालक श्री हरिनाम महाराज की अशरण शरण श्री हरिनाम महाराज की दुख भंजन श्री हरिनाम महाराज की कलिजुग प्रेम प्रदाता श्री हरिनाम महाराज की कलिजुग भावना अवतारी श्री गौरांग महाप्रभु की जय जय श्री राधे जय जय श्री राम।